दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला T20 मुकाबला आज शाम को खेला जाएगा। और दोस्तों इस मुकाबले से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या रहने वाली है प्लेइंग 11, क्या है पिच रिपोर्ट और किस तरह से किस समय पर और कहां पर आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, तो सारी चीज़ों के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। साथ में हमें कमेंट करके बताइए कि क्या पहले T20 में भारतीय टीम जीत करके 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंग्लैंड और भारत के बीच में रीशेड्यूल्ड 5वें टेस्ट मैच का अंत होने के बाद अब दोनों ही टीमों के बीच लिमिटेड ओवर सीरीज का आगाज होगा, जिसमें 7 जुलाई को दोनों ही टीमों के बीच में सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा। और दोस्तों ऑयन मॉर्गन के संन्यास के बाद जॉस बटलर बतौर नियमित कप्तान अपनी जिम्मेदारी का आगाज इस सीरीज के शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आगामी T20 वर्ल्ड कप 2022 को देखते हुए दोनों ही टीमों के लिए ये T20 सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, जिसमें वो अपने अहम खिलाड़ियों को परखने के साथ बेहतर रणनीति भी बना सकती है। हालांकि जॉस बटलर को 9 वनडे मैचों में कप्तानी करने का अनुभव हासिल है, जिसमें उन्होंने 6 मैच जीते भी हैं। ऐसे में कप्तानी का अधिक दबाव उनके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ भारतीय टीम को लेकर बात की जाए तो कप्तान रोहित शर्मा पहली बार विदेशी ज़मीन पर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए दिखने वाले हैं। इससे पहले रोहित ने कोहली के बाद कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद 12 T20 मैच घरेलू ज़मीन पर खेले हैं, जिसमें सभी में उन्होंने जीत दिलाई है। वहीं पर बात करें इस मैच की जानकारी की तो दोस्तों ये पहला T20 मुकाबला जो है वो इंग्लैंड और भारत के बीच में खेला जाने वाला है, जहां पर द रोज बाउल के मैदान पर साउथहैम्पटन में ये मैच खेला जाएगा। और बात करें समय और दिन की तो 7 जुलाई को ये मैच खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार रात को 10:30 बजे से इस मैच का लाइव प्रसारण जो है वो आप देख सकते हैं। और बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की तो दोस्तों Sony 6 और Sony 11 के ऊपर आप इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो देख सकते हैं। बात करें इसके बाद पिच रिपोर्ट की तो दोस्तों इस दौरान इस मैदान की जो पिच है उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर बल्लेबाजी के लिए माकूल हालात देखने को मिलेंगे। ऐसे में औसत स्कोर यहाँ पर पहली पारी का 157 देखने को मिला है। वहीं पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। बात करेंगे दोस्तों प्लेइंग 11 की तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले T20 मुकाबले को लेकर इंग्लैंड की संभावित 11 पर अगर बात की जाए तो जेसन रॉय और फिलिपी सॉल्ट ओपनर की भूमिका में देख सकते हैं। वहीं पर कप्तान जॉस बटलर मध्यक्रम में जिम्मेदारी संभालेंगे। और इसके अलावा गेंदबाजी में टैमाल मिल्स, क्रिस जॉर्डन, मैथ्यू पार्किंसन के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। बात करें प्लेइंग 11 की तो जेसन रॉय, फिलिप सॉल्ट, डेविड मलान, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, डेविड विली, क्रिस जॉर्डन, टिमान मिल्स, मैथ्यू पार्किंसन और रीस टोपली। तो दोस्तों ये रहेगी इंग्लैंड की प्लेइंग 11। अब दोस्तों बात करेंगे भारत की तो भारतीय टीम के पहले T20 मुकाबले को लेकर संभावित एकादश की अगर बात की जाए तो कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करते हुए देखेंगे। वहीं पर मध्यक्रम में संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव के अलावा दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या को हो सकते हैं। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और आवेश खान पर नजर रहने वाली हैं। प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, इसके अलावा युजवेंद्र चहल, आवेश खान और भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों ये रहने वाली है संभावित प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की। अब दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी ये वाला मैच कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।